शेखर बेस चिकित्सालय में सोमवार से डायलिसिस की 3 मशीनें काम करना शुरू कर देंगी। 2 मार्च से 4 और मशीनें यहां स्थापित हो जाएंगी, जिससे एक दिन में 14 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा। सीमांत में विगत कुछ वर्षों से डायबिटीज के मरीज बढ़े हैं। पूर्व में मरीजों को डायलिसिस के लिए हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों में किराए पर कमरा लेकर इलाज कराना पड़ रहा था। पिथौरागढ़ में भी वर्तमान में मरीजों की प्रतीक्षा सूची 30 से 35 चल रही है। पिथौरागढ़ आपात सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र चिलकोटी ने डायलिसिस यूनिट को लगाने में सहयोग करने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी का आभार जताया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में प्राचार्य पुष्कर सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम रोजगार परक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को तकनीकी एक्सपर्ट SR डोवाल और कार्यकारी प्रशिक्षक OP उपाध्याय ने उद्यम की जानकारी दी। संयोजक सरोज वर्मा ने कहा कि युवाओं को सकारात्मक सोच और रुचि के अनुसार स्वरोजगार अपनाना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर विपिन, छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक पांडे, उपाध्यक्षा चित्रा आदि मौजूद रहे। गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में मुख्य अतिथि सिविल जज विभा यादव और बंगलुरु में प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत पंकज भट्ट ने छात्राओं की काउंसलिंग की। उन्होंने 17 विषयों पर परामर्श दिया और बालिकाओं की शंकाओं का समाधान किया। प्रवक्ता पूजा चौहान ने मनोवैज्ञानिक ढंग से परामर्श दिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य कमला आर्या, प्रवक्ता हंसा धामी, शहजादी गौसिया, डॉक्टर रमा खरकवाल आदि मौजूद रहे। संत नारायण स्वामी राजकीय महाविद्यालय नारायण नगर में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने किया। 100, 800 और 3000 मीटर की दौड़ में चंद्रकला, कपिल, डिंपल, जितेंद्र खोलिया ने बाजी मारी। गोला फेंक में जीवन धामी और रेखा, लंबी कूद में कुलदीप और खुशी मेहता, त्रिकूद में कुलदीप और खुशी, जबकि भाला फेंक में जीवन धामी और चंद्रकला प्रथम रहे। छात्र चैंपियन कुलदीप दिगारी और छात्रा चैंपियन चंद्रकला रही। इस मौके पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमा पाठक, प्राचार्य डॉक्टर गिरीश पंत, प्रभारी प्राचार्य सुधीर कुमार तिवारी, डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर प्रमोद कोठारी, छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ पुराना बाजार निवासी सुमन सिंह ने SDM को ज्ञापन सौंप गैना में पैमाइसी रास्ते को आवागमन के लिए सुचारू करने की मांग की है। कहा है कि उक्त रास्ते को वर्तमान में घेरबाड़ कर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि DM ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक जांच नहीं की गई है। उन्होंने SDM को ज्ञापन सौंप जल्द ही आवागमन सुचारू कराने की मांग की है। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।